जहांगीरपुरी के दंगेबाजों की। जहांगीरपुरी दंगे के मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसारी हिंसा का मास्टरमाइंड है या वो सिर्फ एक मोहरा। क्राइम ब्रांच की जांच अब इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। सुरक्षा एजेंसियों को अब ऐसे सुराग और सबूत मिल रहे हैं जिससे अंसार के तार किसी ऐसे संगठन से जुड़ रहे हैं जिसने हिंसा का ब्लूप्रिंट तैयार किया और फिर अंसार के हाथों उसे अंजाम तक पहुंचाया। यही नहीं, पुलिस की जांच में अंसार की हिस्ट्री के भी पन्ने पलटे जा रहे हैं जिसमें अब तक उसके कई काले कारनामों से पर्दा उठा है। अंसार के अलावा इस वारदात के दूसरे आरोपियों का भी कच्चा चिट्ठा खुलना शुरू हो चुका है। इस सभी किरदारों की करतूत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं अंसार की क्राइम कुंडली से। अंसार भाई नाम से भैया, वो तो शिकार है, समझ लो वो तो विक्टिम है। बोला अंसार को, अंसार भाई रैली है उसको निकलने दो। उसने धमकी उल्टा दे दिया कि यहाँ से निकलेगा तो आगे जाके देखियो। हीरो क्या विलेन, गरीब या जो भी जिसका भी दुख हो सुख हो हर टाइम में सारा है। मददगार तेरा काम है, जगह से कमीशन के आधार बंदों को डरा के लेता है, वसूली लेता है। या माफिया, हर पटेल वो मनोरंजन है, उसका झाड़ू में फोटो है, कांग्रेस में है, बीजेपी में है। आपका नेता या बीजेपी का चेहरा, 1,00,000 रुपए रहेगा, 50,000, 70,000, 70,000 रुपए खर्च कर देगा लोगों का बिजनेस। दिलदार, लड़ाई की शुरुआत उसी ने की। हाँ जी, तो उसने बोला था रैली यहाँ से मत ले जा। या दंगाबाज, जहांगीरपुरी दंगे के इस करेक्टर की जितनी पड़ताल उतने रंग। पुलिस इसे दंगे का मास्टरमाइंड कह रही है और एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे पर जब हमने स्थानीय लोगों से इसके बारे में पूछा तो उनकी राय भी बटी हुई थी। अंसार भाई तो फंसाया गया, सब वो तो खुद थाने में गया, तो खुद थाने वो लोग जो भी उनका नाम लिया ना वो सब 2 नंबर ही काम करने वाले। लड़ाई की शुरुआत उसी ने की। हाँ जी, उसी ने, पता नहीं वो हमारे जो यही होंगे वो सुरेश सरकार जी। हाँ, उसी ने किया, तो उसने बोला था रैली यहाँ से मत ले जाओ। असली बात ये है कि वो जुआ खिलाता है, सबका वगैरह जुआ खिलाता है, पैसे देता है। एबीपी न्यूज के एक खुफिया कैमरे पर अंसार के बारे में जो सच सामने आया उससे यह साबित होता है कि अंसार की कुंडली में कई दाग हैं। कुछ लोग जो अंसार की तारीफ में दो शब्द भी कह रहे हैं वो ये भी मान रहे हैं कि अंसार के काम और कारोबार के तार क्राइम की दुनिया से जुड़े हैं। अब पुलिस ने जब अंसार का भूगोल और इतिहास खंगालना शुरू किया है तो कई चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। अंसार के संसार का राज तलाशने में जुटी पुलिस को अब उसके बारे में जो नए सुराग मिले हैं वो और भी खौफनाक कहानी बयां कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अंसार के तार किसी कट्टरपंथी संगठन से जुड़े हो सकते हैं और वो उस संगठन के जहांगीरपुरी इलाके का मुखिया भी हो सकता है। पुलिस की जांच के मुताबिक ऐसे सबूत मिले हैं कि अंसार ने रामनवमी से पहले हथियार जुटाए थे और वारदात वाली शाम मस्जिद से फोन आने पर वो घटना स्थल पर पहुंचा और उसके पहुंचने के बाद ही हिंसा भड़की। पुलिस के मुताबिक अंसार ने ये बात तो कबूल की है कि उसने रामनवमी से पहले अपने साथियों के साथ मिलकर हथियार, लाठी डंडे और पत्थर इकट्ठे किए थे, लेकिन वो किसके इशारे पर नाच रहा है उसका उसने अभी तक खुलासा नहीं किया है। एजेंसी को लगता है कि अंसार के तार कुछ कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं जिसके लिए कड़ियों को जोड़ते हुए अब एजेंसी अंसार के बही खाते को तलाशने में जुटी है। वैसे तो अंसार ने अपना गुनाह कैमरे के सामने उसी दिन कबूला था जब उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अंसार क्या साजिश की थी पुलिस ने गिरफ्तार किया? अंसार, अंसार, मैं कसूर वालू, छोड़ दो। हो सकता है कि ये बयान और अंदाज अंसार का टशन हो, लेकिन पुलिस की अब तक की जांच और जहांगीरपुरी के चश्मदीदों के बयान अंसार के कसूरवार होने पर मोहर लगा रहे हैं। लड़ाई की शुरुआत उसी ने की। हाँ जी, उसी ने, पता नहीं वो हमारे जो यही होंगे वो सुरेश सरकार जी। हाँ, उसी ने किया, तो उसने बोला था रैली यहाँ से मत ले जाओ, बस ये तो उसने, इन्होंने बोला अंसार को, अंसार भाई रैली जो भी है लेडी को रैली, अपना जो रैली है जो उसको निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं, सारे भाई भाई है। तो उसने धमकी उल्टा दे दिया कि यहाँ से निकलेगा तो आगे जाके देखियो क्या होगा। असली बात तो ये है कि वो जुआ खिलाता है, सबका वगैरह जुआ खिलाता है, पैसे देता है।
दुनिया की नजर में अंसार सट्टेबाजी और जुए से पैसे बनाता था, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल देखकर पुलिस के गले ये बात नहीं उतर रही है, क्योंकि वो न सिर्फ अय्याशी की जिंदगी जी रहा था बल्कि लोगों को खुश रखने के लिए खुलेआम पैसे भी बांटता था ताकि उसकी करतूतों की पोल ना खुल सके। इसलिए पुलिस को शक है कि उसे कहीं ना कहीं से फंडिंग जरूर होती थी। अंसार की फंडिंग का सोर्स पता लगाने के साथ ही उसके इतिहास के भी पन्ने पलटे जा रहे हैं, जिसमें कई काली वार्ता दर्ज हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अंसार लंबे समय तक ड्रग्स का धंधा कर चुका है। इस धंधे में उसने जमकर कमाई की और इसी पैसे के दम पर इलाके में धाक जमाई। ड्रग्स के कारोबार में खतरा बढ़ा तो उसने कबाड़ी का काम शुरू किया और कबाड़ की आड़ में स्मैक बेचता रहा, लेकिन जब स्मैक बेचना मुश्किल होने लगा तो वो सट्टे के धंधे में जुट गया। इस लग्जरी गाड़ी के साथ अंसार की फोटो का सच भी अब सामने आ चुका है। दरअसल ये गाड़ी एक विवाद में फंस गई और उसके बाद इसके मालिक का पता चला, जो कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली में है। अंसार को इस बात का पता था, जिसके बाद उसने इस विवादित गाड़ी को अपने पास कई दिनों तक रखा और लगातार इस्तेमाल भी किया। यहां तक कि इस्तेमाल करने के बाद इस गाड़ी को पश्चिम बंगाल भी भेज दिया। बाद में काफी मान मुनव्वर और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद इसके मालिक तक इसकी गाड़ी को अंसार ने वापस किया। दिल्ली हिंसा मामले में पकड़ा गया एक नाबालिग आरोपी पश्चिम बंगाल के मिदनापुर का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की टीम उस नाबालिग के घर पहुंची थी, जहां उसकी मां रहती है। एबीपी न्यूज की टीम ने जब उसकी मां से बात की तो उन्होंने अपने बेटे को बेकसूर बताया। पुलिस बोल रहा है यहां पे था असलम, मैंने हां था। कितना दिन गया? ले एक महीना गया, एक डेढ़ महीना मेरा असलम गया। अजमेर जाएगा इसीलिए गया, भाई लोग बुलाया था इसीलिए गया, नला असलम यहीं पे काम करता राजमिस्त्री काम। इस नाबालिग आरोपी की मां के मुताबिक उनका बेटा अजमेर जाने के लिए घर से निकला था और दिल्ली में रुक गया। पुलिस को इस नाबालिग की मां के पास दिल्ली के पते का आधार कार्ड और बंगाल के पते का राशन कार्ड मिला है। अब पुलिस इसकी भी जांच करेगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।